हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के पहले ही दिन माहौल उस समय गर्मा गया जब भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये मांग की कि विधायकों के लिए विकास निधि को जारी किया जाए। उनका कहना था कि विधायकों को विकास निधि जारी करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि विधानसभा क्षेत्रों की जनता की निगाहें विकास निधि पर टिकी रहती हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में विकास निधि के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था तथा पूर्व भाजपा सरकार के समय में 1.5 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया गया था। शेष 50 लाख का भुगतान भी शीघ्र किया जाना चाहिए। इस मांग को अनसुना किए जाने पर भाजपा विधायक दल ने सदन से वॉकआउट किया तथा वो नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर आ गए। के ये बहुत ऐतिहासिक घटना है कि हिमाचल प्रदेश में किसी सरकार का बजट सत्र का पहला दिन और पहले दिन ही ऐसी नौबत आ जाए कि विपक्ष को वॉकआउट करना पड़ जाए। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की ओर से विधायक के हमारे सदस्यों ने 9 सदस्यों ने काम रोको प्रस्ताव नियम 67 के अंतर्गत दिया था और उसमें सीधी सी बात बड़ी स्पेसिफिक होकर के कही थी कि जनप्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए विधायक क्षेत्र विकास निधि का प्रावधान किया गया है और इस विधायक क्षेत्र विकास निधि को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार हर वर्ष बढ़ाया है। 1 करोड़ से इसको बढ़ा करके उसको 2 करोड़ तक पहुंचाया और अभी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विधायक क्षेत्र विकास निधि के माध्यम से विकास में कोई दिक्कत ना हो, कठिनाई ना हो, हमने 3 किस्तें यानी कि 1.5 करोड़ रुपए जारी कर दिया था। अंतिम किस्त हमेशा चुनाव के परिणाम आने के पश्चात जारी होती है। अंतिम किस्त 50 लाख रुपए की जो जारी करनी थी उसका हम इंतजार करते रहे। हमारे माननीय विधायक अपने अपने क्षेत्र में जा करके लोगों के बीच में विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा कर चुके हैं और डिप्टी कमिश्नर के यहाँ पर पत्र लिख करके कई जगह कुछ विधायकों ने लिखित रूप से भी दे दिया कि ये हमने अनाउंस किया है विधायक क्षेत्र विकास निधि में से इस पैसे को जारी किया जाए। लेकिन अभी मालूम पड़ा कि जब एनुअल प्लानिंग की मीटिंग थी उस दौरान मुख्यमंत्री महोदय जी ने वहां पर अपने संबोधन में कहा कि विधायक क्षेत्र विकास निधि की अंतिम किस्त जारी नहीं करेंगे। हम सोच रहे थे कि इन्होंने कहा है शायद कुछ वक्त बाद इस पर पुनः विचार करेंगे, लेकिन आज फिर से जब जवाब दिया गया तो उस जवाब में भी इन्होंने यही कहा कि अगर रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी तो हम इस पर विचार करेंगे। विचार करने का सवाल ही पैदा नहीं। और हमेशा मुख्यमंत्री जी बार बार हर जगह पूरे प्रदेश में कह रहे हैं कि बजट प्रावधान नहीं, बजट प्रावधान नहीं। मेरी बजट स्पीच है पिछले साल की इसी माननीय सदन में जब हमने विधायक क्षेत्र विकास निधि के को बढ़ा करके 2 करोड़ करने की घोषणा की और 2 करोड़ में से हमने 1.5 करोड़ हमने जारी कर दिया है। 50 लाख रुपए बजट प्रोविजन जो किया गया है उसके अंतर्गत जारी होनी बाकी है। करने में जो अंतर है उसी सारे विषय को लेकर के हम कह रहे हैं CPS बनाने के लिए वहाँ इनको खर्च जो है वो ध्यान में नहीं आ रहा है। चेयरमैन बनाने के लिए इनको खर्च जो है वो होगा सरकार की ओर से वो ध्यान में नहीं आ रहा है। हमेशा एक ही बात रोना रो रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर लाइबिलिटीज है, गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं है। तो हमें मालूम है, वो अच्छी तरह से मालूम है। आप जो भी करना है अलग जगह से करिए, अलग प्रोविजन करिए, लेकिन जो क्षेत्र के विकास के लिए विधायकों के लिए जो राशि मिलती है विधायक निधि के बारे के रूप में कम से कम उसको जारी करें। और आज जिस प्रकार से सारी चर्चा को फिर हट फिर करके उसी तर्ज पर संस्थान खोल दिए, संस्थान खोले आपने भी खोले थे, हमने तो चलाए, आपने तो संस्थान खोलने जो 6-6 महीने 8-8 महीने से चले हुए संस्थान वो बंद किए। इसलिए वर्तमान सरकार जिस प्रकार से काम करने का अपना तरीका अख्तियार किए हुए हैं यही कारण है कि 3 महीने के अंदर परिस्थिति ऐसी बन गई कि हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आ गए। सरकार के खिलाफ चारों तरफ रोष है और भयंकर आक्रोश है। और यही नहीं, यहीं तक नहीं,
ये आक्रोश कांग्रेस पार्टी के विधायकों के बीच में भी है, उनके विधायकों में भी है। उनकी ही पार्टी के एक वरिष्ठ विधायक ने लिख करके दे दिया अपनी पार्टी के अध्यक्ष को, और मुख्यमंत्री के बारे में उन्होंने क्या कहा मैं उस बारे में कहने नहीं चाह रहा हूँ। ये परिस्थिति 3 महीने के अंदर आ गई, तो चारों तरफ एक निराशा का माहौल है। और विपक्ष की एक भूमिका है, और विपक्ष की भूमिका है कि जहाँ भी जन विरोधी निर्णय होगा, जो भी निर्णय जनहित में नहीं होगा, हम उसके लिए विधानसभा के अंदर भी अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, हम उसके लिए अपनी आवाज़ विधानसभा के बाहर भी बुलंद करेंगे। इसलिए आज हमने जो नियम 67 के अंतर्गत जो प्रस्ताव दिया था, काम रोको प्रस्ताव, हमने उस पर चर्चा मांगी थी, चर्चा उसमें अलाउ नहीं हुई, उसमें घुमा फिरा करके जवाब देने की कोशिश हुई और जो हमको स्वीकार नहीं थी इसलिए हमने वॉकआउट किया। देखिए फाइनेंशियल ईयर के कुछ दिन बचे हैं, अगर 31 तारीख से पहले अगर वो पैसा अगर मिल करके जो है वो स्कीमें बंद स्कीमों की सैंक्शन हो जाती है तो पैसा खर्च कर पाएंगे, नहीं तो वो पैसा जो है वो लैप्स हो जाता है। अगर उन्होंने रोका है तो कब तक रोका है, प्रश्न तो ये भी है, और रोकने की वजह क्या बनती है, कोई जस्टिफिकेशन क्या बनती है। और उनके विधायक भी मांग रहे हैं, उनके कांग्रेस के विधायक भी मांग रहे हैं कि विधायक क्षेत्र विकास निधि तो मिलनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि विपक्ष द्वारा किए गए वॉकआउट पर सीएम सुक्खू द्वारा क्या कुछ कहा गया, आइए सुनते हैं। देखिए विपक्ष वॉकआउट करके न्यूज में बना रहना चाहते, जनता से जुड़े मसलों पर प्रस्ताव लाते, प्रदेश के विकास के क्षेत्र में प्रस्ताव लाते, किसी विधानसभा क्षेत्र के विकास में प्रस्ताव लाते। काम रोको प्रस्ताव जो नियम 67 का सबसे बड़ा हथियार है वो विधायक निधि को लेकर आई, और मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि विधायक निधि विधायकों से जुड़ी हुई है, और जो काम रोको प्रस्ताव होता है वो प्रदेश के विकास, प्रदेश में कहीं मान हानि हुई हो, प्रदेश में कभी कोई ऐसी बाढ़ आ गई हो, आपदा आ गई होगी, कोई बड़ी घटना होगी हो, उस दृष्टिकोण से लाया जाता है। विधायक निधि के संबंध में प्रस्ताव लाए, अब आर्थिक बदहाली से जो प्रदेश गुजर रहा है और हम व्यवस्था को सुचारू करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने कहा है कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आई है, जिसकी झलक आपको आज देखने को भी मिली। मैं बार बार कह रहा हूँ प्रदेश की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, लेकिन विकास में कोई कमी नहीं आने देगा, विकास को नई दिशा देंगे हम, अपने आय के स्रोत कैसे बढ़ाए उसको नई दिशा देंगे, और दिन रात मेहनत करके हिमाचल प्रदेश की जनता में हम अपनी सरकार के जो वचनबद्धता है, कटिबद्धता है, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। मुझे उनका वॉकआउट करना उचित लगा, ये छोटा सा ये विधायक निधि 68 MLO से जुड़ी हुई थी, जिसको एक पद कमरे में किया जा सकता था, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए करें, राजनीतिक लाभ किस चीज़ का, आप जनता की जुड़ी समस्याओं से लाते तो मैं कहता कि आपका काम हम ये काम करते। और इस दृष्टि से और बड़ा ये जो बीजेपी ने वॉकआउट किया उन्हें अपनी रणनीति पर द्वारा भी विचार करना। लोगों ने क्या कहा था ना, लोग ये भी कह रहे हैं कि इसकी जनता भी कौन सा वाटर सेंस जो है वो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर लगता है। वाटर सेंस का मतलब है जिन्होंने जो 172 हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट जो बिजली पैदा करते हैं 12,000 MW के करीब, उसके जो डैम बनते हैं उस पर वाटर सेंस लगता है, और ये प्रश्न ही नहीं है, वाटर सेंस तो उस पर लगता है। सर नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि संतुष्ट नहीं है सरकार के जवाब से, जो लाइबिलिटी पहले से जो कांग्रेस सरकार की थी वो तो आगे लेकर गए हैं और आप तो कर्ज चुका कर नहीं गए थे, ऐसा जो पूर्व मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं वो गलत है, हमें ये थोड़ी सोचना है कि